Imran Mansour saved it brilliantly. It's all over. Pakistan have won the World Cup. Champion the. फिर से चैंपियन बन रहे हैं. मेरी दुआएं आपके साथ, कौम की दुआएं आपके साथ, अल्लाह ताला आपके साथ रहे और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लौटें तो गोल्ड मेडल से लौटें और अपनी कारकर्दगी बेहतरीन दें. तो शबाज अहमद स्टेपिंग फॉरवर्ड. जीतते थे अब हारना नहीं. वर्ल्ड कप में पहुंच गए अब ओलंपिक्स में पहुंचना है. हम हैं शाहीन, हम हैं पाकिस्तान. हम बनेंगे जीत का निशान. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले तो 14 अगस्त और पाकिस्तान को खेलने का और एशियन गेम खेलने का मौका. तो पाकिस्तान टीम अच्छे मूड में है. ऑलमोस्ट अच्छी एफर्ट की, मेहनत की. ओल्ड मैन ने इस पे काफ़ी एफर्ट की और टारगेट है पाकिस्तान हॉकी का. पाकिस्तान हॉकी का टारगेट है कि आपने इस कंपटीशन में सेमीफाइनल और फाइनल खेलना है. और मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान टीम जिस जगह पे पाकिस्तान हॉकी की ज़रूरत है, जिस तरह हमारी लीडरशिप ने एफर्ट करके इनकी ख्वाहिशात पूरी की, ये कौम की ख्वाहिशात की भी बात है. और सबसे बड़ी बात है एक पाकिस्तान का क्लियरली डायरेक्टली ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना. तो आई होप कि ये जो आज का मैच है, जिस प्रैक्टिस मैच है, इसको टू गोल अगेंस्ट जापान और अच्छा खेलना है. प्रैक्टिस मैच को प्रैक्टिस की तरह है, सेफ्टी के साथ खेलना है. लेकिन एग्जीक्यूशन ऑफ कंपटीशन इंडोनेशिया हमारे प्रैक्टिस और गोल स्कोरिंग वाले कंपटीशन वाले मैच होंगे. और सेमीफाइनल दो उधर से इंडिया और कोरिया जापान से एक टीम आएगी और साथ में पाकिस्तान और मलेशिया सेमीफाइनल खेलेंगी. तो हमें सेमीफाइनल की प्रिपरेशन है और फाइनल जीतने के लिए जाना है. और इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान स्टेप बाय स्टेप अपने आप को इम्प्रूव करेगा. थैंक यू.